हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत, आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये देख सकते हो, ये आ रही है रेड लाइन और इसके बगल में ही बनाई जा रही है पिंक लाइन। वो देख सकते हो वो सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये इस तरीके से ऐसे घूम जाएगी। ये देखो एक पिलर बोरा और उधर भी है, तो देख सकते हो तस्वीरें। और आपको बता दूँ कि इस साइड में, और ये है गोकुलपुरी का मेट्रो स्टेशन दोस्तों, देख सकते हो वो लिखा हुआ है गोकुलपुरी। तो ये तीन है दोस्तों, ये गाज़ियाबाद से वाहन आ रहे हैं, इधर गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, और ये जाएंगे दोस्तों इधर सीधे पुरानी दिल्ली के लिए। तो चलते हैं। और ये बीच में नाला आ जाता है, देख सकते हो ये और पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोनों साइडों में। तो दिखाते हैं आगे चल के आप सभी को दोस्तों। देख सकते हो ये पिंक लाइन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और आपको बता दूं पिलर बन चुका है, एयर कैप का काम किया जा रहा है। और पिलर के ऊपर ही आपको बता दूं दोस्तों कि इस पर जो बायोडक्ट बनाने का काम है वो ऊपर ही ऊपर किया जाएगा, जैसे कि उस साइड में किया जा रहा है। देख सकते हो उधर का भी अभी आपको दिखाते हैं चल के। और ये मशीन लग रही है क्रेन मशीन, देख सकते हो तस्वीर है दोस्तों। और इधर से आ रही है ये पिंक लाइन, देखो वो भी पियर कैप बन चुके हैं, उधर के रह रहे हैं पियर कैप। अब इन पर बायोडक्ट लॉन्चर द्वारा जोड़ना स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो सारा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है इस पिंक लाइन पे दोस्तों। और किस तरीके से देखो बनाया जाता है ये पिलर, आप लोग देख सकते हो तस्वीरों में, देख सकते हो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये। तो ये है, और आपको बता दूँ कि जो जगह है वो देख सकते हो, ये यहाँ से ये चौराया आ जाता है, इधर ये लोनी के लिए चला जाता है, मेरे राइट में लोनी के लिए चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये पियर बनाया जा रहा है, और इसके ऊपर ही अब जोड़ना स्टार्ट कर देंगे इसको, जैसे कि उधर उस साइड में जोड़ रहे हैं। देखो वो किस तरीके से जोड़ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें गाइस। और ये जो पिंक लाइन का काम है वो चल रहा है, उधर डबल डेकर मेट्रो भी बनाई जा रही है, पिंक लाइन डबल डेकर का काम चल रहा है दोस्तों। और देख सकते हो पीजन ही पीजन, देखो दोपहरी में कितने पीजन ही पीजन है दोस्तों। ये देखो ये सारे पीजन थे, देख सकते हो कुछ ऐसा काम चल रहा है इस पर पिंक लाइन का दोस्तों। और देख सकते हो सादरा सीलमपुर जीटीबी हॉस्पिटल यमुना बिहार, ये चला जाता है इधर साइड, देखो तस्वीरें। और चलिए अब मैं इधर का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो चलते हैं उस साइड में, और देख सकते हो आगे चलेंगे हम भजनपुरा के लिए, और फिर आगे सिग्नेचर ब्रिज आ जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों ऐसा बनाया जा रहा है ये, मतलब कि पिलर के ऊपर ही ऊपर ये बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और उधर देखो पियर कैप बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो उधर से, और ये ऐसे बीच में आ जाएगा दोस्तों। तो देख लो इधर का भी आप लोग, सेटिंग लगी हुई है इसमें। और सेटिंग लग जाने के बाद में देख सकते हो किस तरीके से ये सेटिंग लगाई जाती है नीचे मजबूत करके, ताकि ये फिसले ना दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से ये, अब ये पिलर के ऊपर ही इस बायोडक्ट को जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये बीच में देखो ये कंक्रीट भरा हुआ है, ये बीच में कंक्रीट भरा है, देख सकते हो दोनों साइडों में। और इस तरीके से इसके ये जो इनका ढांचा है वो है दोस्तों, देखो किस तरीके से ये जोड़ने का काम किया जा रहा है पिंक लाइन को दोस्तों। ये पिंक लाइन का काम है, तो देख सकते हो किस तरीके से ये पिलर को जोड़ते हैं, पिलर के ऊपर ही ऊपर बायोडक्ट को जोड़ेंगे तो वो ऐसे जाएगा, वो उधर से बनाते हुए आएंगे, ये इधर से जाएगा बनता हुआ ऐसे इस साइड में। देख सकते हो वो वहाँ पर पानी डाला जा रहा है दोस्तों। और अब हम चलेंगे आगे, देख सकते हो ये सारे पिलर आप लोगों को पिंक लाइन के देखने के लिए मिलेंगे। और आगे डबल डेकर का काम भी दिखाते चल गए, क्या भाई साहब ग्राउंड लेवल पर भी फोर व्हीलर वाहन चलेंगे, और फर्स्ट फ्लोर पर भी जो इसका फ्लाईओवर बनाया जा रहा, और सबसे ऊपर चलेगी पिंक लाइन मेट्रो दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के, आप सभी को बने रहिए। पिंक लाइन डबल डेकर का काम आपको दिखाते हैं चल के दोस्तों। आगे चलते हैं भजनपुरा और यमुना बिहार के लिए। तो आगे भजनपुरा से पहले देख सकते हो ये साइडों में ये फ्लाईओवर है बीच में, उसके बगल से ये राइट हैंड पे देखो सारे पिलर बन चुके हैं पियर। अब इन पे पियर कैप का काम किया जाएगा, और पियर कैप का काम कर देने के बाद में दोस्तों इस पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को इस पर बायोडक्ट को जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो ये बारह पिलर अभी यहाँ बचे हुए हैं, नहीं बने हैं,
ये बीच का हिस्सा बचा हुआ है, ये पिलर भी देखो बन के खड़ा हो गया है जो फाउंडेशन बनाकर, और पिलर का जो सरियाओं का जाल है वो भी खड़ा कर दिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हो ये। और ये आ जाता है आपको यमुना विहार, और यमुना विहार के सामने ही आपको बता दो ये यमुना विहार का पिंक लाइन का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो किस तरीके से ये लॉन्चर लगा दिया जो विंग्स को ऐड कर रहा है दोस्तों। देखो ये विंग्स को जोड़ता है ये वाला लॉन्चर, तो इसी तरीके से जोड़ेगा दोस्तों ये यमुना विहार का नज़ारा है। देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये विंग्स को ऐड किया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीर है, और ये यहाँ पर बनाया जाएगा स्टेशन दोस्तों, देख सकते हो ये यमुना विहार का ये स्टेशन बनाया जा रहा है पिंक लाइन का, और विंग्स को किस तरीके से जोड़ते हैं देख सकते हो आप लोग तस्वीर है, और वो लॉन्चर है दोस्तों, यही लॉन्चर है और यही विंग्स को ऐड कर रहा है, देख सकते हो जोड़ने का काम कर रहा है। देखो किस तरीके से विंग्स को जोड़ा जाता है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से ये जोड़ा जा रहा है पिंक लाइन का, ये मेट्रो स्टेशन है यमुना विहार का। आगे चलते हैं डबल डेकर, अभी देखने के लिए मिलेगा आप सभी को किस तरीके से इस पर जोड़ने का काम चल रहा है। देखो पियर बन चुके हैं, और जो बायोडक्ट है वो दोस्तों क्रेन मशीन द्वारा इस पर रखा जाता है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये बहुत पहले ही रख दिया जा चुका था। तो आपको बता दूं कि यहाँ से ये भजनपुरा स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और भजनपुरा के सामने ही दोस्तों ये डबल डेकर मेट्रो पिंक लाइन बनाई जा रही है दोस्तों, क्योंकि नीचे भी वाहन दौड़ेंगे, ऊपर भी वाहन दौड़ेंगे, और उससे ऊपर दोस्तों ये पिंक लाइन मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। ये यमुना विहार भजनपुरा, और आगे ये खजूरी पुस्तक देख सकते हो, ये भजनपुरा यमुना विहार आ चुका है, इसके सामने भजन ये यमुना विहार इधर है लेफ्ट हैंड पे, और भजनपुरा राइट हैंड पे दोस्तों। और उससे पहले देख सकते हो ये डबल डेकर का काम किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो ये विंग्स को किस तरीके से ऐड किया है, और ऐड कर देने के बाद में देख सकते हो वो लॉन्चर लगे हुए हैं, इसको विंग्स को ऐड कर दिया है। आप इन पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट की लेयर बिछा दी जाएगी दोस्तों, यानी कि ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो ये 1.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है दोस्तों, डबल डेकर फ्लाईओवर पिंक लाइन भजनपुरा यमुना विहार के बीच में बनाया जा रहा दोस्तों, और जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही ये खजूरी खास आ जाएगा दोस्तों। तो उसमें भी फ्लाईओवर बना हुआ है, तो फ्लाईओवर के राइट में आपको कर्व ले लेती है ये पिंक लाइन दोस्तों, और भजनपुरा का भी ये इस पर पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो क्या ही नज़ारे हैं यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये भजनपुरा के सामने हैं डबल डेकर पिंक लाइन बनाई जा रही है, इसके नीचे देख सकते हो इन पर वाहन चलेंगे नीचे नीचे, और ऊपर मेट्रो दौड़ेगी यार पिंक लाइन। तो देख सकते हो इसके विंग्स को जोड़ने का काम था वो कर लिया जा चुका है दोस्तों, देखो आप लोग देखो किस तरीके से ये ऐड कर रहे हैं, देखो इस तरीके से ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, गटर रखे ये गटर रखे जा रहे हैं, और गटर रखे फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग, ये आपको बता दूँ 2 लेन इधर और 2 लेन उधर, यानी कि 4 लेन का ये एक्सप्रेस ये हाईवे, मतलब कि ये फ्लाईओवर कह सकते हो दोस्तों, डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है पिंक लाइन का दोस्तों, कुछ यही सीन है, देखो आप लोग तस्वीर गए। चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो चलते हैं आगे दिखाते चल के। देखो ये गाटर लॉन्चिंग कर रहे हैं ना, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये 2 लेन इधर 2 लेन लेफ्ट में, 2 लेन राइट में, यानी कि 4 लेन का ये डबल डेकर पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, डबल डेकर पिंक लाइन ये आपको बता दो फ्लाईओवर ही कह सकते हो उसको, तो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है डबल डेकर दोस्तों, कि सबसे ऊपर दौड़ेगी पिंक लाइन मेट्रो, और नीचे बीच में दौड़ेंगे दोस्तों वाहन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, और सबसे नीचे ये भारी व्हीकल दौड़ेंगे, यानी कि ट्रक हुआ, बस हुआ, ये जितने भी हैवी व्हीकल हैं वो नीचे दौड़ेंगे दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें क्या नज़ारे हैं यहाँ के, और आपको बता दूं कि उस साइड में तो भजनपुरा है, और मेरे लेफ्ट हैंड पे यमुना विहार है, उसके सामने ही दोस्तों ये 1.5 किलोमीटर का डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दोस्तों पिंक लाइन के ऊपर, पिंक लाइन का ही कंस्ट्रक्शन है देख सकते हो दोस्तों, और DMRC द्वारा इसको बनाया जा रहा है, यानी कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो
तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है इस जगह पे। तो अभी देख सकते हो ये सारे पिलर बन गए हैं, अभी पियर कैप का काम किया जाएगा, पिंक लाइन मेट्रो के भी पिलर भी और नीचे विंग्स भी देख सकते हो, विंग्स ऐड किए जाएंगे, अभी इन पर भी लॉन्चर लगाया जाएगा, तस्वीरें देख सकते हो। और दो पिलर वो रख दिए हैं देखो क्रेन मशीन द्वारा बायोडक्ट को, तो देख सकते हो ये ऊपर अभी बनाया जाएगा मेट्रो के लिए। एक पिलर यहाँ पर है ये भी बनाया जाएगा दोस्तों, और उससे आगे चलेंगे तो देख सकते हो ये बायोडक्ट को रख दिया है दोस्तों क्रेन मशीन द्वारा। और जैसे ही हम आगे चलेंगे तो अभी देख सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किस तरीके से चल रहा है गाइस, क्योंकि अभी ये पिलर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा राइट में कर्व ले लेता है, क्योंकि बीच में ये खजूरी का फ्लाईओवर आ जाता है, तो इसी वजह से दोस्तों ये राइट में कर्व ले लेगा, और कर्व लेने के बाद में फिर ये मतलब कि ये फ्लाईओवर के बिल्कुल बगल से ही होकर जाएगी, और आगे आपको जैसे ही खजूरी का ये फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे वैसे ही पिंक लाइन का मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आधे पिलर बन चुके हैं, आधे अभी बनने के लिए बचे हुए हैं दोस्तों। ये तो पिलर दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो गए, इन पर पियर कैप का काम किया जाएगा, और जैसे ही हम आगे चलेंगे तो ये देखो ये पियर बनाए जा रहे हैं, इन पर सेटरिंग लगी हुई है, इनको ऊपर मतलब कि स्टैंड किया जा रहा है और ऊपर, तो आधे बन गए थे पहले ही और आधे अब बनाए जा रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे हमें नीचे लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सब।